हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जी के हब में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, बहुचर्चित महिलाएं जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन है कि पहली महिला चेयरमैन सेल की सोमा मंडल नियुक्त की गई है। और सेल आपको पता ही है, महारत्न कंपनियों में सम्मानित है। दूसरा क्वेश्चन है कि देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला आर्या राजेंद्रन। तीसरा क्वेश्चन है, पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा एम मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली भारतीय महिला, मतलब माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है शिरीषा बांदला, और जो कि तीसरी भारतीय जो कि NRI बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य जो कि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, तो एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में सृष्टि गोस्वामी को नियुक्त किया गया था, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पहली महिला मुख्य सीईओ एयर कैरियर की हरप्रीत एंडी सिंह को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक को नियुक्त किया गया पूजा देवी को। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांता को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना होएगा आप, पहला जो क्वेश्चन था जो भावना कांत को नियुक्त किया गया है वो गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी, जिस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसके उपलक्ष में गणतंत्र दिवस हर साल की 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी में जो देश की पहली महिला फाइटर पायलट थी भावना कांत ने पार्टिसिपेट किया था। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान जो पायलट होती है भावना कांत, दोनों में भावना कांत ही है। तीसरी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ये वीरा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला डीआईजी तटरक्षक रेखा है, जो ITVP बोल सकते हैं, तटरक्षक रेखा बल है जो कि नुपुर कुलक्षेत्र को दिया गया है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनाई गई है शिवांगी सिंह, अगर ये वाराणसी से यूपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती है शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा को नियुक्त किया गया है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी को नियुक्त किया गया है। सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला, जो भी युद्ध सेवा होती है उनमें जो महिला है पहली महिला को नियुक्त किया गया है मिंटी अग्रवाल को। देश की पहली ट्रांजेस्टर चुनाव राजदूत बोल सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ट्रांजेस्टर जो गौरी संवाद को नियुक्त किया गया है। वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर
वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर इंजीनियर जिसे हीना जायसवाल को नियुक्त किया गया। और मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो देखी होगी और आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।